हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ विशेष प्रश्न के बारे में। जो हम बात करेंगे कंप्यूटर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे अपना कंप्यूटर का फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपन, तो इसका अपना क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषाएं, कंप्यूटर में कौन सी भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। तो इसको अपन बात करेंगे कि एक तो मशीन भाषा होती है, एक असेंबली भाषा होती है और उच्च स्तरीय भाषा होती है। इनको अपन कंप्यूटर में यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अपना कि इथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग होता है, इथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग होता है। तो अपने पास इसका सही आंसर होगा बस टोपोलॉजी। ये जो अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एक डायरेक्ट एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चन हैं अपने पास। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, मोडेम का पूरा नाम क्या है। मोडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विंडोज़ एक्सपी में एक्सपी का क्या मतलब होता है। तो विंडोज़ एक्सपी में एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कंप्यूटर किस भाषा में कार्य करता है। तो कंप्यूटर अपने मशीन भाषा में कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि कंप्यूटर में कौन सा भाग गणना और तुलना के लिए उपयोग होता है, मतलब जो गणना भी करता है और तुलना भी करता है। यह होता है अपने पास ALU, कौन सा होता है अपने पास ALU होता है, ठीक है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हो तब वह क्या कहलाएगा। अगर जैसे कोई भी कंप्यूटर अपने इसके अंदर मल्टी प्रोसेसर है, मतलब उसको मल्टी प्रोसेसर कहेंगे, ठीक है। एक से अधिक हो गया तो मल्टी प्रोसेसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इसमें कि time.type.dir किसका इंटरनल कमांड है। तो ये है DOS, ठीक है। तो DOS का वैसे फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को एक बार अपन रिपीट करते हैं कि विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो इसको अपन कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको क्या कहते हैं अपन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादातर अपन को हमें देखने के लिए डायरेक्ट मिलता है ऐसा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है अपना, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना कि वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो इसको अपन कहते हैं ब्राउज़र। जैसे इसके अंदर हो गया अपना ब्राउज़र हो गया, जैसे नेट ब्राउज़र हो गया, क्रोम हो गया, इसे इनको मतलब ब्राउज़र इस टाइप के होते हैं, उनको अपन ब्राउज़र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगा। तो क्या क्या बूट नहीं करेगा, जब इसके अंदर ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी तो अपन वो बूट कैसे करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इसके अंदर कि स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं अपन रूट डायरेक्टरी, इसको क्या कहते हैं अपन रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई कहलाती है, वो कहलाती है यूजर फ्रेंडली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सर्च इंजन। अब सर्च इंजन में जैसे अपना याहू हो गया, गूगल हो गया, और ये जैसे जिस पे अपन सर्च करते हैं वो अपना सर्च इंजन होता है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि वर्ड में किसी के डॉक्यूमेंट्स में किसी विशिष्ट शब्द का मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या है। तो इसके लिए अपना तरीका है कि फाइल कमांड का उपयोग करना। तो अपन फाइल में कमांड करेंगे तो अपने पास वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपने पास आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो इसके लिए अपन यूज करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, डीपीएस, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हो गया अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए अपन यूज़ करते हैं पावर पॉइंट का, जिसको अपन पीपीटी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है। जंक ईमेल, जैसे अपने के पास जो जंक जो अपने पास अनवांटेड मेल होते हैं उनको अपन और किस नाम से बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको स्पैम बोलते हैं अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी डी रोम का पूरा नाम है C4 था कॉम्पैक्ट, D4 था डिस्क, R4 था रीड, O4 था ओनली, M4 था मेमोरी। तो इसका पूरा नाम हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। GB को संक्षिप्त रूप क्या है, मतलब कि यह है कि GB का फुल फॉर्म क्या है। G4 हो गया गीगा, B4 होगा बाइट, तो इसको एक साथ बोलेंगे हम गीगा बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फंक्शन कुंजी कौन सी होती है। तो जैसे पास फंक्शन कुंजी होती है F1 से लेके F12 तक। तो इसके टोटल संख्या इसकी होती है फंक्शन कुंजी की 12 संख्या होती है, F1 से F12 तक होती है। F1 हेल्प के काम आती है, ऐसे ऐसे मतलब नेक्स्ट ये अपने यूज़ होती रहती है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चाइनीज टेस्ट को इटैलिक प्रारूप में बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए अपन यूज़ करते हैं Ctrl+I का। इसी के साथ अपन जैसे Ctrl+CTRL+A करते हैं तो ये होता है ऑल, मतलब सेलेक्ट के लिए होता है। Ctrl+C करते हैं तो ये कॉपी के लिए होता है। Ctrl+X करते हैं तो ये मतलब कट के लिए होता है। Ctrl+V करते हैं तो ये पेस्ट के लिए होता है। Ctrl+S करते हैं तो ये सेव के लिए होता है। इस प्रकार से मतलब अपन बहुत सारे ये है शॉर्टकट के पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी करेक्टर को क्या कहते हैं। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी करेक्टर को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अपन करेक्टर सेट। क्या बोलते हैं अपन, करेक्टर सेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए अपन को एड्रेस बुक इस्तेमाल करते हैं अपन। ठीक है। मोडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है। मोडेम, जैसे मोडेम होता है उसका कनेक्शन अपन किसके साथ किया जाता है। तो मोडेम का कनेक्शन किया जाता है अपने फ़ोन लाइन के साथ करते हैं, जिससे अपन मतलब कि वो मोडेम मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट का कार्य करता है अपने उसको कंप्यूटर को कनेक्ट करके रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पास, कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ होता है। अब देखिए, केबी का अर्थ होता है किलोबाइट, और एमबी का अर्थ होता है मेगाबाइट, जीबी का अर्थ होता है गीगाबाइट, और टीबी का अर्थ होता है टेराबाइट। इस प्रकार से अपने पास ये इनके आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं। अब प्रोसेसर होता है उसके तीन मुख्य भाग हो, ALU हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट हो गया, और रजिस्टर हो गया। ठीक है, ये अपने इसके प्रोसेसर के मुख्य तीन भाग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्लेट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को सर्किट बोर्ड कहते हैं। इस पर अपन मतलब
इलेक्ट्रॉनिक एक बोर्ड होता है, इस पर सर्किट डिज़ाइन किया हुआ होता है अपने, जिसको अपना एक तरह से आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं ये अपना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसको मदरबोर्ड कहते हैं, जिसको मतलब कि सारा मतलब इस पे जो अपने सर्किट डिज़ाइन किए होते हैं उसको मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल क्या है, पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है ये, पास्कल क्या है बहुत रिपीट होता है, तो पास्कल है अपना कंप्यूटर की एक भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब कि अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अपन बात करते हैं कि कंप्यूटर भाषा फोर्टन किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो ये होता है विज्ञान के क्षेत्र में यूज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, तो ये व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोगी होता है कोबोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि मल्टीमीडिया वेबपेज ब्राउज़र पर, मल्टीमीडिया वेबपेज ब्राउज़र पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है, तो यह है अपने पास जावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए अपन करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ईडीपी क्या है, तो एक तरीके से मतलब ईडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होती है। कीबोर्ड में फंक्शन की अभी अपने बात की थी कि कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है, तो अभी अपन ने बताया था ये 12 होती है फंक्शन की, F1 से लेके F12 तक सारी फंक्शन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करेंगे 8 लगातार बिट की सीरीज को क्या कहा जाता है, तो इसको अपन कहते हैं बाइट। ठीक है, और फिर 1024 बाइट को अपन वो बोलते हैं KB, किलोबाइट, फिर MB आ जाता है, फिर GB आ जाता है, फिर TB आ जाता है, इस प्रकार से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई थी 15 अगस्त 1995, भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी। वेब क्राउलर क्या है, वेब क्राउलर एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन हो गया जैसे अपन गूगल हो गया, वैसे ही अपन वेब क्राउलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल प्लस एच क्या करता है, दस्तावेज में टेक्स्ट बदलने का शॉर्टकट है ये, ऐसे अभी अपन बात किए थे कंट्रोल प्लस आई तो इटैलिक के काम आता है, कंट्रोल प्लस ए और सेलेक्ट के लिए काम आता है, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए काम आता है, कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए काम आता है, और कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए काम आता है, इस प्रकार अपन ये काम आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि इन्फोस्पेस क्या है, इन्फोस्पेस, तो इन्फोस्पेस की अपन बात करें, इन्फोस्पेस एक सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SDLC क्या, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है, S4 होता है सॉफ्टवेयर, D4 होता है डेवलपमेंट, L4 होता है लाइफ, C4 होता है साइकिल, इसको अपन बात करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोशॉप क्या है, फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें अपन मतलब कि एडिटिंग वगैरह करते हैं फोटो वगैरह की, वो एक फोटोशॉप होता है, इसमें अपन मतलब डिज़ाइन वगैरह काम भी करते हैं, वो फोटोशॉप होता है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है बंदू एक सर्च इंजन है, अपनी बात करता है गूगल की तरह, ऐसे एक बंदू भी एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है, तो इसको बोलते हैं अपन मेन्यू बार बोलते हैं इसको अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस सी इसका प्रयोग क्या होता है, तो इसको कॉपीराइट प्रतीक बनाने की शॉर्टकट कुंजी है, कॉपीराइट प्रतीक बनाने की एक शॉर्टकट कुंजी है। डक डक गो क्या है, ये भी एक तरीके से एक सर्च इंजन है, और एक तरीके से अपने बात करें कि वेब स्पाइडर हो गया, स्पाइडर ये भी एक सर्च इंजन हो गया, ये इस प्रकार से एक सर्च इंजन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा क्या है, तो इसकी सीमा होती है 25 GB से 50 GB तक होती है। ये इंडेक्स ये भी एक सर्च इंजन है, तो इस प्रकार से अपन ये 50 क्वेश्चन कर चुके हैं,
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है, इनको रिपीट कीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।